नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशंस के सैंपल पेपर की। इस वीडियो में आज आपके सामने एमसीक्यू में 25 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाते हैं या करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी अपना स्कोर बनाइए, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, मेरे बताए हुए आंसर से अपने आंसर टैली करिए। आपका जो भी फाइनल स्कोर बनता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा। और जिसका जीएस का पार्ट काफ़ी वीक है, कमज़ोर हैं जो लोग इस सेक्शन में, तो वो लोग भी इस वीडियो के साथ बने रहिए और पैन डाउन करिए हर एक क्वेश्चंस, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में, जैसे आपका एग्जाम एमटीएस का होने वाला है या फिर सीजीएल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। ये है इसका पार्ट 1। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, और पार्ट 2 मैं इसका जल्द बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक करिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 76, स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो थे वो 50 से लेकर के 75 तक थे, जो काफी कम इम्पोर्टेंट मुझको लगे, बट 76 से लेकर के आगे तक के सभी क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगे, तो इसलिए मैंने केवल 76 वाले पार्ट से ही ये वीडियो स्टार्ट करा है। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा क्या करना है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल अभी आपको करना है अपनी नोटबुक तैयार रखिए और क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखिए इसमें हमसे कहता है कि कौन पृथ्वीराज चौहान द्वारा त्राइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, पराजित कौन हुआ था और कौन से युद्ध में हुआ था, उसका नाम है त्राइन का युद्ध, और जो पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान द्वारा उसका नाम क्या है वो हमसे यहाँ पर ये पूछता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी। और ये वॉर कब हुआ था एग्जाम में, एक फैक्ट और है वो आप लिख लीजिए, ये हुआ था 1191 में। तो दो तीन फैक्ट एक क्वेश्चन से निकल के सामने आए कि किसने किसको हराया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। कौन से युद्ध में हराया, ये युद्ध का नाम था त्राइन का युद्ध, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1191 में। छोटे छोटे फैक्ट आपको नोट करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में क्वेश्चंस को वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है और इम्पोर्टेंट फैक्ट हमको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। जी, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं केवल पढ़ रहा हूँ फैक्ट। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए कि भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं। इसका राइट आंसर है समुद्र गुप्त। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 77। अगला क्वेश्चन है कि बाबर के बाद मुगल गद्दी पर कौन बैठा, या मुगल गद्दी किसने प्राप्त करी। तो प्यारे बच्चों, शायद आपको पता होगा एक एड आती थी टीवी पर, कॉम्प्लेन किया किसके मुझे याद याद नहीं है, लेकिन वो कहता था कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, शायद कॉम्प्लेन की एड थी। माँ अपने बच्चे को इस तरह से याद कराती थी एक निमोनिक बना करके। तो बाबर का बेटा हुमायूं था। ठीक है, बाबर की मृत्यु के बाद सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये बैठेगा हुमायूं। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट, वो कुछ फैक्ट इस तरह से हैं कि आपसे पूछ सकता है कि एग्जाम में कि बाबर का कार्यकाल कब से कब तक का था। ये था आपका 1526 से लेकर के 1530, 1530 के बाद आया था हुमायूं। इसने राज करा पूरे 10 साल तक, तो 1530 में 10 साल ऐड करोगे कितना आएगा, 1540। बस आपको इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। 79 हमसे कहता है कि समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये आप डायरेक्ट याद करिए, इसके लिए कोई एग्जाम्पल सेट करने की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा कोई अदर फैक्ट भी नहीं है। जहाँ जहाँ पे अदर फैक्ट होगा वो मैं आपको लिख पाऊंगा, आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का कितना प्रतिशत भाग पानी के अंदर रहता है। अगर हम किसी पानी के तल पे कोई बर्फ छोड़ देते हैं, कोई आइस क्यूब डाल देते हैं, तो आइस क्यूब क्या होती है, वो तैरती है, और कितना परसेंट भाग बर्फ का उस आइस का तल के अंदर रहेगा। ठीक है, तो या फिर हमसे पूछ सकता है कि कितना परसेंट भाग हमको दिखाई देगा, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 90%।
90% तो रहेगा पानी के अंदर, बाकी रिमेनिंग क्या होगा हमको दिखाई देगा, कितना परसेंट, 10% बर्फ हमको दिखाई देगी और 90% क्या होगी पानी के अंदर तैरती रहती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। साबुन या अपमार्जक के प्रयोग करने से पानी का पृष्ठ तनाव किस प्रकार से होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, अधिकतम। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जिसका जीएस काफी स्ट्रांग है, ये सब्जेक्ट काफी अच्छा लगता है उनको, वो वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर टैली करना मेरे आंसर से, फाइनल स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। और बढ़ते हैं 82 की ओर। 82 में कह रहा है कि कौन सा अयस्क नहीं है किसका, एल्युमिनियम का, कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा क्रायोलाइट, डी, डी ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर कि शहरी स्थानीय शासन संवैधानिक बना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, तो आप सबको पता होना ही चाहिए, एग्जाम में आए या ना आए ये बात की बात है, लेकिन एसएससी के अलावा अगर भी अदर फॉर्म आप भर रहे हो, जैसे रेलवे का फॉर्म भरते हो या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव फॉर्म आप भर रहे हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये था आपका राइट आंसर होगा इसका सी, 74 वां संशोधन हुआ था। एग्जाम में एसएससी की तरफ किस तरह से पूछ रहा है, वो ये पूछेगा कि 74वां संशोधन किस बात से संबंधित है, किस बात से इसका संबंध है। तो आपको याद रखना है शहरी स्थानीय शासन द्वारा, और ये कब हुआ था, ये ईयर जो था ये था 1992, 1992, ठीक है, 1992 वर्ष का वर्ष था, और 74वां संशोधन था। इसके अंतर्गत क्या बात करी गई थी, शहरी स्थानीय शासन संवैधानिक बना था। बात करते हैं आगे क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस को पॉज करिए, यहीं पे पढ़िए इस वीडियो को, इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए कि उच्चतम न्यायालय जो होता है वो केंद्र और राज्य के बीच में अगर झगड़े होते हैं आपस में, उनके विवाद का निपटारा किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, हमारी केंद्र में कौन सी सरकार है, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, ठीक है, हमारी स्टेट का जो भी सीएम है, आपके स्टेट का कोई भी सीएम हो सकता है, ठीक है, वो है राज्य के बारे में। अगर छोटी सी बात कि जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पानी बिल्कुल मुफ्त कर दिया कुछ लीटर तक, ठीक है, उसके बाद अगर सभी स्टेट ऐसा करती हैं तो केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में क्या होगा, विवाद स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस होगा स्टेट का, ठीक है, सरकार का, पूरी पूरे भारत का नुकसान नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में जो विवाद चलता है, किसी ने कुछ अपनी राय दी, केंद्र सरकार से परमिशन तो लेनी ही लेनी पड़ेगी, लेकिन केंद्र सरकार क्या है, इस बात को मानने से इनकार करता है, कोई भी प्लान कोई राज्य सरकार भेजती है केंद्र सरकार के पास, तो दोनों के बीच में क्या होगा, मनमुटाव होगा। तो इसके फैसले कौन करेगा, इसके फैसले करेगा उच्चतम न्यायालय। देखो बच्चों, पहले अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आपको आंसर आसानी से याद हो पाएगा। अगर मैं कंटिन्यू स्पीड में पढ़ता रहूं रोबोट की तरह, मशीन की तरह, बस पूरा क्वेश्चन पढ़ा इसका आंसर डी, अगले क्वेश्चन में पढ़ा इसका आंसर सी, अगले क्वेश्चन में पढ़ा इसका आंसर बी, तो इस तरह से पढ़ने में मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आंसर क्लिक कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। देखिए कौन सा एक संसद में प्रक्रिया का नियम नहीं है, तो इसका राइट आंसर है, डायरेक्ट याद करिए इसको, शून्यकाल, 0R जो होता है वो संसद की प्रक्रिया का कोई भी नियम नहीं होता है। धन विधेयक को सहमति कौन देता है, या धन विधेयक है यह कौन डिसाइड करता है, तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। देखिए 87 क्या है, 87 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, पंचायती राज, तो पंचायती राज भी आप स्किप मत करना, क्योंकि देखो यूपीएससी में क्या होता है, पंचायती राज में मेंस में कुछ क्वेश्चंस पूछता है, पंचायती राज एक डैम श्योर क्वेश्चन आना ही आना होता है, तो पंचायती राज को लेकर के एसएससी में आपका कोई मेन्स है नहीं जीके का, बस प्री एग्जाम में आपको एसएससी में पूछेगा जीके वगैरह, तो डायरेक्ट आपको याद क्या करना है, ये याद करना है कि पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला स्टेट कौन था, इसका राइट आंसर है राजस्थान में, ठीक है, और राजस्थान के कौन से जिले में, उसका नाम है नागौर। नागौर के अलावा ये आपसे ईयर भी पूछ सकता है, किस साल हुआ था स्टार्ट, 1959 में, 1959। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 हमसे कहता है कि कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है, नहीं है की बात कर रहा है, ठीक है, ये याद रखना कि क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा डी, ये कोई भी जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, योजना आयोग,
नीति आयोग जो नया नाम रखा है, कौन सी सरकार ने रखा है? मोदी सरकार ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 89, निम्नलिखित में से कौन सी दक्कन पठार की मुख्य फसल है? कौन सी मुख्य फसल है कहाँ की, दक्कन पठार की? तो इसका राइट आंसर है सी, कपास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। क्या विचार करना है, चलिए विचार करते हैं, देखते हैं विचार करना क्या। एक्चुअली उपरोक्त में से किसे बंदरगाह को तरंग कहा जाता है? किसे तरंग कहा जाता है, ये सब तो इसका नाम पूछ रहा है हमसे। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा बी, केवल बी को। जो सुनामी होता है, सुनामी किस प्रकार की सुनामी होती है? तरंगे, ज्वार भाटा कोई तरंगे नहीं होती हैं, ये लहरें होती हैं जो उफान करती हैं, चीर ज्वार ये सब नहीं, केवल सुनामी क्या होती है, तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स दिवस 91 कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 1 दिसंबर। और एक बात और इस क्वेश्चन से मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेज आप याद कर लीजिए, कौन सा डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। आप देखते होंगे आपके हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन डैम श्योर डेज को लेके आता है। ठीक है, तो डेज को स्किप मत करना। इसको लेके एक वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, इस चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगी ये डेज से रिगार्डिंग, तो वो आप वॉच करिएगा। अगर आप डायरेक्ट गूगल पर बैठ के डेज सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा, जहाँ से आपको सुटेबल हो वहाँ से पढ़िए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। कौन सा आइसोसाइनिक को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर है सी, दो द्रवों में समान घनत्व। 93 है क्वेश्चन नंबर की, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ए बी सी डी, कौन सा सही है? दोनों क्वेश्चन सही हैं तो फिर दोनों पे राइट आंसर, मतलब फर्स्ट और सेकंड हमको चूज करना पड़ेगा, केवल एक है तो ए ऑप्शन। चलो देखते हैं क्या करते हैं। अग्नि सिद्धांत और ज्वालामुखी विस्फोट दोनों मैग्मा को ठंडा करने में शामिल होते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, दोनों ही सही आंसर है वैसे इसका, सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 93। अग्नि सिद्धांत और ज्वालामुखी विस्फोट दोनों मैग्मा को ठंडा करने में शामिल होते हैं। ठीक है, अगला है कि आग्नेय सिद्धांत और ज्वालामुखी विस्फोट रासायनिक ढेर को बदलने में भूमिका निभाते हैं। तो दोनों ही फैक्ट जो हैं हमारे आग्नेय सिद्धांत को लेकर के, वो आप नोट करिए और उसको याद करिए। क्वेश्चन नंबर 94, 94 हमसे कहता है कि बोर्नियो द्वीप किस देश का भाग है, या बोर्नियो द्वीप कहाँ पर स्थित है? उसका नाम है इंडोनेशिया। बी हमारा जो होगा इसमें राइट आंसर होगा। ये थोड़ा क्वेश्चंस कम पूछा जाता है एग्जाम में, चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन कुछ नहीं पता कब क्या पूछ ले हमसे, तुमको तैयारी इतनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 95, मोस्ट 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 टाइम के क्वेश्चंस। 95 में हमसे कहता है कि भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, वो पूछ रहा है भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला, ठीक है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा D2O C। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। जब प्रकाश हवा से कांच में जाता है तो इसको कांच में वेग, जो इसका कांच में जो इसका वेग होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा अपरिवर्तित रहेगा, मतलब नो चेंज या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर है घटेगा, मतलब डिक्रीज होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एक माइक्रोफोन में क्या होता है? देखिए इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर है कि ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है या बदलती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आवृत्ति के लिए आवाज की ऊंचाई का संबंध है, यह आयाम। अगला क्वेश्चन, जिन अयस्कों में पारा भी होता है उन्हें इनमें से क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अमलगम। ये जो होता है आपका, ये यूज होता है डेंटल में, मतलब दांतों की पद्धति में इसको यूज कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्तनधारी अंडा देता है, कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, ऑटम, डी। तो ये थे हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस। अगर आपने अटेम्प्ट करा हो पूरा ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट, तो आप इसको देखिए ध्यान से, और अपना फाइनल स्कोर जो भी बनता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर प्लीज़ भेजना मत भूलिएगा। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी, अगर कम बोलते हैं तो कमेंट आते हैं कि बहुत स्लो बोल रहे हैं आप, अगर ज़्यादा तेज बोलते हैं तो लोगों के सर के ऊपर से निकलता है।
लेकिन थोड़ी अब स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि कोर्स बहुत अधिक है, आपका एग्ज़ाम बहुत नियर है। थोड़ी मेहनत आप करिए, थोड़ी मेहनत हम करते हैं, सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, शायद लग रहा है कि बच्चों को 99 का क्वेश्चन का शायद कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूंगा ढंग से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 99 इंपॉर्टेंट भी है और आपको याद करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगेन पढ़ते हैं ध्यान से। जिन अयस्कों में पारा भी होता है उन्हें इनमें से क्या कहते हैं? ठीक है, इसे हम बोलते हैं, इसका राइट आंसर मैंने आपको क्या बताया था? अमलगम। ये पता है क्या होता है? ये एक ऐसा अयस्क होता है, ये एक ऐसी धातु होती है, जब हम दांतों की फिलिंग करवाते हैं, दांतों में जब होल होता है ना, तो उसकी फिलिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। फिलिंग के टाइम पे अमलगम को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। बस इसको इतना ही याद करिएगा आप, ठीक है? चलिए एक बार हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं इस पूरे वीडियो को, हमने क्या क्या हमने इसमें सीखा अब तक, ठीक है? देखिए, तराइन के युद्ध के बारे में हमने बात करी थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी क्या हुआ था? इसमें पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्र गुप्त को। अगला है कि बाबर की मृत्यु के बाद कौन बैठा था? हुमायूं। समुद्र के पानी में तैरना आसान है क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व कैसा होता है? ज्यादा होता है पानी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन की बर्फ का कितना परसेंट भाग पानी के अंदर रहता है? तो इसका राइट आंसर है 90%। अगर 90% पानी के अंदर रहेगा तो हमको कितना भाग दिखाई देगा? रिमेनिंग 10%। वो हमसे दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बर्फ जब पानी में तैरती है तो हम कितना परसेंट भाग केवल देख पाते हैं। ऑप्शन 10, 20, 30, 40 ऐसे देगा। देखिए, इसने ऑप्शन 10 भी दिया है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने 10 दिया है। मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे ठीक है कि आपका 10 ही होगा, ठीक है, अपने टिक करके आ जाएंगे। बट इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा डी, 19। तो दोनों तरह से क्वेश्चंस का क्या फॉर्मेट बन सकता है, वो स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी अगर आप ध्यान से स्टडी करते हैं तो। देखिए, फिर अगला क्वेश्चन था कि साबुन या अपमार्जक के प्रयोग करने से डैश मतलब अधिकतम पानी का तनाव होता है। एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, वो है क्लोराइड। और सैरिस स्थानीय शासन संविधानिक बना था 74 द्वारा। उच्चतम न्यायालय क्या करता है? केंद्र और राज्यों के बीच में जो झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, उनका निपटारा करता है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन था कि संसद में प्रक्रिया का नियम नहीं है, यह है शून्यकाल। और धन विधेयक को सहमति कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। और पंचायती राज, जहां पे पंचायती राज की बात आए, इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, अगले की संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं थी? इसका आंसर था नीति आयोग। अगला है, दक्कन के पठार में मुख्य फसल कौन सी होती है? ये होती है कपास। और सुनामी किस प्रकार, सुनामी क्या है? तरंगे हैं। आगे है, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और कौन आइसोसाइनिक को परिभाषित करता है? दो द्रवों में समान घनत्व। अगला क्वेश्चन आग्नेय सिद्धांत के बारे में बताया गया था, दोनों सिद्धांत आपने नोट करे होंगे। बढ़ते हैं आगे, बोर्नियो द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का भाग है? यह इंडोनेशिया का। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? D2O। और हवा से कांच में जाता है तो क्या होता है? प्रकाश घटेगा हमेशा, बढ़ेगा कभी नहीं। माइक्रोफोन के बारे में, यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आगे, आवाज की ऊंचाई का संबंध किससे है? यह आयाम से। 99 था हमारा कि जिन अयस्कों में पारा भी होता है उन्हें इनमें से क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अमलगम। कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? इसका राइट आंसर है ओटम। तो अब हमने रिवाइज करें, और आई थिंक आपने नोट करे होंगे, अगर आपका जीएस पोर्शन काफ़ी कमजोर है, काफ़ी वीक है, टाइम दो अपने आप को, अपने वीक सेक्शन को, और ईमानदारी से पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का होगा। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा बच्चों, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। आपको वीडियो कैसा लगा मुझको बताना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में जिसने अटैम्प्ट करा होगा वो अपना स्कोर मुझे लिख करके भेजना, उन्होंने कितना स्कोर गेन करा। ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है, इस टाइप की सीरीज में लेके आते रहूँगा। अगर आप चाहते हो आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर प्लीज़ भेजिए, या फिर आप डायरेक्ट इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक को आप कहीं से भी, अमेजन से, ऑनलाइन कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक को मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा आपको, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं बुक को। जहाँ से बेस्ट लगे वहाँ से परचेज करो, दुकान हो नियर वहाँ से परचेज करो, बस पढ़ो। टारगेट ये है कि सिलेक्शन होना चाहिए किसी भी कीमत पर। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।